गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा जैसी टॉपिक करांगे मुहावरे पहला, क्योंकि थोड़ा टेस्ट है मुहावरे दा ते दादी जी चैप्टर दा। फ्राइडे नू मुहावरे 26 तो लेके 50 तक, ते दूसरा असी टॉपिक करांगे अगेतर, अगेतर 15 to 30। अपनी रफ नोटबुक ते ग्रामर बुक खोल लो। ग्रामर दा पेज है बेटा 164, मुहावरे दा 164। ध्यान ना सुनने, क्योंकि मुहावरे तुहानू बेटा एमसीक्यूज दे विच भी आ सकते हैं। ठीक है, चार चार उहदे ऑप्शन देके, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन तुसीं चूज करना है, या बेटा मुहावरे तुहानू कोई भी मुहावरा दे के उहदा अर्थ लिखना जां सेंटेंस बनाना। ओके, इसलिए बेटा ध्यान नाल सुनने। ओके, मुहावरे का मीनिंग दस्सिया सी ना बेटा पहला तुहानू मैं, मुहावरे का की मीनिंग है। मुहावरा कुछ शब्दां दा, ठीक है, मुहावरा की कुछ शब्दां दा समूह हुंदा है जिहदे शाब्दिक अर्थ कुछ होर हुंदे है ते भाव अर्थ कुछ होर। मुहावरा की कुछ शब्दां दा समूह हुंदा है जिहदे शाब्दिक अर्थ कुछ होर हुंदे है ते भाव अर्थ कुछ होर हुंदे है। ठीक है, भाव की जिवें दस्सिया सी इट नाल इट खड़कानी, इट नाल इट खड़कानी मतलब एक इट नाल दूसरी इट नूं खड़काना, वह तां शाब्दिक अर्थ हो गया, पर उहदा भाव अर्थ की है तबाही मचानी। लिया ना, भाव की शब्द के तौर पर अर्थ कुछ होर हुंदा है ते भाव के तौर पर कुछ अर्थ होर हुंदा है। अपन 26 मुहावरा करांगे, हुन लर्न रीड करांगे। अख खुली होश आना, खुली होश आना, ये काफी दिनों तो मेरे चाचा जी या मेरे दादा जी बीमार सन, कल ही उन्हां दी अख खुली है, बाकी उन्होंने होश आया है। नेक्स्ट है अत चुकना, बहुत रोला पाना, अत चुकना बहुत रोला पाना। छोटे बच्चे छुट्टी वाले दिन घर विच अत चुक लैंदे हन, भाव कि बहुत रौला पाउंदे हैं जदों घर विच, ठीक है, बच्चे घर हुंदे है छुट्टी वाले दिन तां बहुत अत चुक लैंदे हन। नेक्स्ट है अत आटे विच लून होना, भाव कि बहुत घट होना, आटे विच लून होना बहुत घट होना। आटे विच लून होना बहुत घट होना, ठीक है। भारतीय जिहड़े ईसाई है या मुसलमान लोग है वह आटे विच लून दे बराबर हैं, भाव कि घट है, ज्यादा हिंदू ते सिख रहिंदे है, ठीक है, या पंजाब दे विच मुसलमान आटे विच लून दे बराबर हैं। नेक्स्ट है अखां ते बिठाना, बहुत आदर करना, अखां ते बिठाना बहुत रिस्पैक्ट करनी, बहुत आदर सत्कार करना। स्पेलिंग बेटा नाल ना देखो, क्योंकि बेटा तुसी काफी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ, अग दे भाव होना बहुत महंगा होना, अग दे भाव होना बहुत महंगा होना, महंगा ते हाहे तो टिप्पी पैनी है, बहुत महंगा होना। अज कल हर चीज अग दे भाव विक रही है, भाव की बहुत महंगी विक रही है। नेक्स्ट है इट कुत्ते दा वैर, बहुत ज्यादा दुश्मनी होनी, इट कुत्ते दा वैर बहुत ज्यादा दुश्मनी होनी। ये जिवें किसी का भी नाम लिख के आप लिख सकते हैं, उन्होंने दोनों के बीच इट कुत्ते दा वैर है। नेक्स्ट है इट नाल इट वजाणी, बहुत तबाही मचाणी, इट नाल इट वजाणी बहुत तबाही मचाणी, तबाही, ठीक है, बहुत तबाही, तत्ता बब्बे नु करना हाहे नु बिहारी, बहुत तबाही मचाउनी। बंदा बहादुर ने वजीर खां दी सेना दी इट नाल इट बजा दिती, बंदा बहादुर ने वजीर खां दी सेना दी इट नाल इट बजा दिती। नेक्स्ट है
ईद द चंद होना, बहुत देर बाद मिलना। ईद द चंद होना, बहुत देर बाद मिलना। बहुत देर बाद मिलना। बाद दी स्पेलिंग बेटा एड़ा भी आंदा है, ठीक है। कई बच्चे की कहते हो बब्बे नु कन्ना दद्दा पालते हो, एड़ा विच पाना है, बहुत देर बाद मिलना। ठीक है, जदों दा हरजीत दा विआह होया है, या जदों दा उसका विआह होया है, या वो विदेश गया है, वो तो ईद दा चंद ही हो गया है। नेक्स्ट है, एक अख नाल देखना बराबर समझना। एक अख नाल देखना बराबर समझना। माता पिता हमेशा अपने बच्चियां नू एक अख नाल देखते हैं, ठीक है। चाहे ब्रदर सिस्टर दो तीन दो हो या तीन हो, ठीक है, पेरेंट्स की है हमेशा अपने बच्चियां नाल इको अपना वेखते हैं, इको जिहा व्यवहार करते हैं, प्यार करते हैं। नेक्स्ट है, इट नाल, नेक्स्ट है बेटा, ईन मन्नी हार मन्नी। ईन मन्नी हार मन्नी, ईन मन्नी हार मन्नी। पंजाबी लोग कदे भी ईन नहीं मनते, ठीक है। पंजाबी लोग कदे भी ईन नहीं मन्ने। ईन मन्नी हार मन्नी, पंजाबी लोग कदे भी ईन नहीं मन्ने। नेक्स्ट है, इज्जत नू वट्टा लाना बदनामी करनी। इज्जत नू वट्टा लाना बदनामी करनी, ठीक है। चंगे बच्चे कदे भी अजिहा काम नहीं करते जिस नाल उना दे माता पिता दी इज्जत नू वट्टा लगे। रिपीट कर रही हां, चंगे बच्चे कदे भी अजिहा काम नहीं करते जिस नाल उना दे माता पिता दी इज्जत नू वट्टा लगे। नेक्स्ट है, एक मुट होना इकट्ठे होना। एक मुट होना इकट्ठे होना, सानू हमेशा एक मुट होके रहना चाहिदा है। सानू हमेशा एक मुट होके रहना चाहिदा है। नेक्स्ट है, सर करना जितना। सर करना जितना। साड़ी टीम ने हॉकी का मैच सर कर लिया, कि साड़ी टीम ने हॉकी का मैच सर कर लिया। नेक्स्ट है, सा सुकना डर जाना। सा सुकना डर जाना या सहम जाना। चाहे डर जाना लिख दो, चाहे सहम जाना लिख दो, कि जदों मैं अपने सामने सप नू देखिया तां, जदों मैं अपने सामने सप नू देखिया तां मेरा साह सुक गया। नेक्स्ट है, सज्जी बांह होना। सज्जी बांह मतलब पक्का साथी होना। सज्जी बांह होना पक्का साथी होना, कि मेरा भरा मेरी सज्जी बांह है, या भरा भैन हमेशा सज्जी बांह होंदे हन। नेक्स्ट, सिर पैर ना होना। सिर पैर ना होना गल दी समझ ना आनी। सिर पैर ना होना गल दी समझ ना आनी। सिर पे ना होना गल दी समझ ना आनी, ठीक है। या इस कविता दा, या इस कहानी दा, या तेरी गल दा कोई भी सिर पैर नहीं है। नेक्स्ट है, शेर हो जाना। शेर मतलब दलेर। शेर दा की मतलब दलेर। शेर हो जाना दलेर हो जाना। शेर हो जाना भाव की दलेर हो जाना, ठीक है। जदों मैं दूरों अपने भरा नूं जां भैण नूं आउंदिया देखिया तां मैं शेर हो गया। कि पासी कहिंदे ना भरा भैण साडे सज्जी बांह हुंदे है, जदों वी साडे नाल किसे नाल कोई झगड़ा हो रिहा होवे, जे साडा भरा साडे नाल होवे, तां असीं की होए ने दलेर हो जांदे हां, भाव कि शेर हो जांदे हां। नेक्स्ट है, सर करना सेम ही बेटा रिपीट होया जितना। नेक्स्ट, शर्म नाल पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। शर्म नाल पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। जदों चोर चोरी करदे फड़िया गया तां
ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਰਫ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਅਰਥ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਾਫੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨਾ, ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਮਚਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸੋਰੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮਚਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਮਚਲਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਚਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਚਲਣਾ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮਚਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮਚਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮਚਲਣਾ ਜਾਂ ਭੂਏ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਰ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗੇਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗੇਤਰ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ, ਅਗੇਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ 1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 to 15। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਅਗੇਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਤਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਅਗੇਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਅਗੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਗੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ। ਅਗੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲੇ। ਅਗੇਤਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਖੁਸ਼ ਅਗੇਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅਗੇਤਰ। ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਗੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਗੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੀਅਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ, ਨਸੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ, ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਅਗੇਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ? ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਪਲੀਜ਼
किसी ने कोई भी वर्ड अपने को गलत नहीं बनाना। जेड़ा भी तुसी अगेतर बना रहे हो ये देखो पहला हैंड रख के ओदा मीनिंग निकल दिया होना, भावे खुश नसीब बनाया। ठीक है, अगेतर दे अगे हाथ रख लो। ठीक है, ते पिछे वाला वर्ड देखो तुसी ओदा कोई मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, जेड़ा सी मूल शब्द लगाया है ओदा भी मीनिंग होना चाहिए ते पूरी अगेतर दा भी मीनिंग होना चाहिए। मूल शब्द का मीनिंग होएगा, पूरे अगेतर का भी जो कोई मीनिंग होएगा ता ही बेटा जेडे की है वो प्रोपर जेडे की अगेतर बनेंगे। ओके क्लियर है बेटा सब नु मीनिंग? अगेतर समझ आ गई किस तरह बनाने हैं? क्लियर है बेटा सब नु? पहले तो समझ आने चाहिए अगेतर बनाने किस तरह, क्योंकि बेटा तुसी कई बार की करते हो गलत अपने को कोई ना कोई वर्ड एवं गलत लिख देते हो। ठीक है, वो जेड़ा शब्द तो ठीक होंगे पर वो अगेतर गलत होंगे, क्योंकि वो मूल शब्द का कोई मीनिंग नहीं होंगे। मूल शब्द का भी मीनिंग हो जो शब्द लगा रहे हो ते पूरे अगेतर का भी। ठीक है, हाथ रख के देख लिया करो ऐसा था जेड़ा सी शब्द लगाया उसका मीनिंग है। समझ लगी किस शब्द बनाने हैं? क्लियर है? करिए स्टार्ट टॉपिक। यस बेटा समझ लगी किस तरह करने हैं? ओके, फर्स्ट है खुश। फर्स्ट अपना खुशी कर रहे हैं, खुश दे खुश किस्मत अपन दो कर ही लिए, खुश नसीब दे खुश किस्मत, खुश दिल खुश तबीयत। ठीक है, भाव की जिहड़ा हमेशा खुश रहे, खुश तबीयत हमेशा स्माइलिंग। ठीक है, स्माइलिंग फेस है हमेशा खुश रहता है, खुश दिल और दिल बड़ा खुश दिल है। भाव की वो बड़ी जल्दी किसी की मतलब की मदद करता है, हेल्प करता है, बड़ा खुश दिल है हमेशा, उसका हमेशा खुश है। मतलब कहते खुश दिल खुश तबीयत खुश नसीब खुश किस्मत खुश मिजाज। मिजाज भी सेम खुश मिजाज। सेम मिजाज का मीनिंग या खुशबू। ठीक है, अच्छी स्मेल आप कहते ना पता नहीं अच्छी स्मेल आ रही है, कोई खुशबू आ रही है घर के, कोई अच्छी चीज बनी है कहते खुशबू। इसे तरह खुशखबरी। क्लियर है बेटा? जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो नाल नोट करो बेटा अपनी बुक दे, एक्स्ट्रा वर्ड भी लिखा है ना अपनी रफ नोटबुक दे या ग्रामर बुक दे नोट करो नाल नाल, क्योंकि एमसीक्यूज दे विच भी तुम आ सकते हैं। ओके नेक्स्ट है सेकंड। नेक्स्ट है चू। चू का मीनिंग होता है चार। ठीक है, चू आनी चार आने चू आनी। ठीक है, पहले समय दे विच बेटा चू आनी मतलब 25 पैसा। 25 पैसा पहले समय दे विच बेटा 25 पैसे की बड़ी वैल्यू होंदी सी। यस भव्या भव्या मैम, चू से चुरस्ता हो सकता है? रस्ता। यस बेटा हो सकता है। ओके ओके गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा लिख देने चुरस्ता। ठीक है, जिदा रस्ता फोर साइडेड तो निकलता है, रस्ता मतलब राह हो गया ना। ठीक है, रस्ता तो मतलब राह हो गया चुरस्ता, ये रस्ता फोर साइडेड आप कई बार जाने। ठीक है, सड़क सारे पास निकल रही है। ठीक है, अगो पिछो लेफ्ट राइट भाव की जिदा जेड़ा रस्ता चारे साइड तो निकलता हो। नेक्स्ट है चौगिरदा चौफेरा। एक्स्ट्रा वर्ड बोलो बेटा जी आंदे है। गिरदा मतलब आला दुआला, चौगिरदा चारे साइडिंग। ठीक है, चौगिरदा मतलब आला दुआला। इसी तरह चौपाया जिदे चार पैर हो, चौपाया चार पैरा वाला जानवर। पाया मतलब पैर, पाया का मीनिंग है पैर। चौपाया जिदे चार पैर हो जानवर वाले जिवे, चौपाया जिदे चार पैर हो। ठीक है, चौआनी चुरस्ता चौगिरदा चौपाया। नेक्स्ट है गैर थर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड बोलिया करो बेटा, एक्स्ट्रा वर्ड बोलिया करो बना के। गैर दे तुहाडी बुक दे विच गैर हाजर जिहड़ा एबसेंट होवे, कहते गैर हाजर एबसेंट। गैर रस्मी बिना रस्म रिवाज तो, गैर कानूनी जिहड़ा कानून की परवाह ना करे। यस कृष्णा बेटा कृष्णा। मैम गैर जिम्मेदार। वेरी गुड, गैर जिम्मेवार जेड़ा अपनी जिम्मेवारी नूं अच्छी तरह ना निभावे कहिंदे गैर जिम्मेवार। वेरी गुड, एनी अदर स्टूडेंट? अनिकेत। यस अनिकेत। गैर हाजिर। गैर हाजिर। गैर हाजिर बेटा वो बोलता है। ठीक है, गैर हाजिर एब्सेंट बोलता है। वेरी गुड, ठीक
ठीक है। गैर हाजिर जो एबसेंट हो गैर रस्मी, ठीक है, जो रस्म रिवाज ना मने, गैर कानूनी जेड़ा कानून की पाला ना करे। नेक्स्ट है गैर जिम्मेवार, जेड़ा अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह ना निभावे कहते गैर जिम्मेवार। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नो बेटा वर्ड नेक्स्ट वर्ड है बेटा गैर सरकारी भी लिख सकते हैं बेटा, गैर सरकारी भी, गैर सरकारी, ठीक है, ये प्राइवेट आप कर दें काम, गैर सरकारी। नेक्स्ट फोर्थ है छी, छी मतलब सिक्स, छी, छी का मीनिंग होता है छी, सिक्स जो है छे माही, ठीक है, सिक्स मंथ, छे माही, माही मतलब महीना, छे माही सिक्स मंथ, छियासी, सिक्स प्लस, ठीक है, सिक्स प्लस एटी, छियासी, ऐसे तरह ये अनिकेत, यस अनिकेत, अनिकेत, कृष्णा, कृष्णा, यस मैम, यस मैम, छियालीस, हाँ छियाली, ठीक है, छी प्लस आली छियाली, ठीक है, फोर्टी सिक्स, गुड, साची, साची, साची अनम्यूट योरसेल्फ, यस मैम आई एम हजीत, साची भी दीता, हजीत बोलो आपने बोला, यस हजीत, मैम चूका चुराई भी हो सकता है, चुराहा, यस हो सकता है बेटा, चुरस्ता चुराहा सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग सेम है, लिख सकते बेटा, ओके, यस, छियाली तो बार लिख लो बेटा, छियासी छियाली ते छे माही, ठीक है। नेक्स्ट है दूर, दूर, फिफ्थ, दूर का मीनिंग होता है बुरा, ठीक है, दूर का मीनिंग है बुरा, ये रेज योर हैंड बेटा, दूर दे बनाओ, जिवें दुर्घटना, कोई माड़ी घटना वापर गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया उन्हें कहते दुर्घटना, ठीक है, दुर्गंध, बैड स्मेल, दुर्गंध, कृष्णा, यस कृष्णा बेटा, दुर्गति, 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 हाँ दुर्गत लिख सकते हैं, दुर्गत लिख सकते हैं, दुर्गत, ठीक है, माड़ी हालत करना, दुर्गत मतलब माड़ी हालत, वेरी गुड। नेक्स्ट है मैम दुरुपयोग, मैम दुरुपयोग, यस यस, गुड गुड, दुरुपयोग, एनी अदर स्टूडेंट, गलत इस्तेमाल करना किसी चीज का, दुर्घटना, दुर्गंध, दुर्गत, दुरुपयोग, दुर्दशा, माड़ी हालत, ठीक है, दुर्दशा का मीनिंग है माड़ी हालत। सुहाना, ये सुहाना बेटा, मैम दुर्बल लिख सकते हैं, यस बेटा, दुर्बल, सुहाना, क्लियर है बेटा सबनों, तक दुर्जन, दुर्गन, दुर्दशा, दुर्घटना, दुरुपयोग, ठीक है, या दुर्जन। नेक्स्ट है नी, नी, सिक्स है नी, नी मीनिंग ना विच, ठीक है, नी ओटा, ओटा मतलब आसरा, जिन्हू किसका आसरा, बिना आसरे तो। नेक्स्ट है निकम्मा, जेड़े कोई काम ना करे, निकम्मा, ऐसे तरह निताना, निथावा, निमाना, अपा निमाना वर्ड अपा गुरबानी ची कर देना, लिख लो बेटा, निमाना, नीगुरा, निमाना, नीदा, निमाना, नीगुरा, आपा गुरा का विरोधी शब्द भी कीता ना, नी गुर,
ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਗੁਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਿਤਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ, ਨਿਥਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਨਿਥਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਪੁੰਨ। ਯੈਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਮ 99 99 ਨਹੀਂ, 99 ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, 99 ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਨਿਓਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਓਟਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੀ ਗੁਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀ ਗੁਣਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਨਿਰੋਗਾ ਜਾਂ ਨਿਰੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਰ। ਨਿਰ ਆਵਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਭੋ ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ, ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਬਾਣੀ ਮੈਮ ਨਿਰਬਲ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁਡ, ਨਿਰਬਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁਡ। ਭਵਿਆ, ਭਵਿਆ ਨਿਰਉਪਯੋਗ, ਭਵਿਆ ਨਿਰਉਪਯੋਗ ਮੈਮ, ਨਿਰਉਪਯੋਗ ਨਿਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਨਿਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਿਰਭੋ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਵੈਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਧਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਭੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਨਿਰਦੇਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਅਗੇਤਰ, ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਿਰਤਕ ਸਭ ਨੂੰ? ਜਸ਼ਨ, ਯੈਸ ਜਸ਼ਨ, ਅਗੇਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਲਾਮੀ, ਲਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਰਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਟਾ 0 ਮਾਰਕਸ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਐਡ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਬੇਟਾ।